तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आई पर। दोस्तों, आज की वीडियो में व्हाट इफ बार्डॉक वेंट इन फ्यूचर गोहान टाइमलाइन का पार्ट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जल्दी से जाइए और फर्स्ट 2 पार्ट्स देख लीजिए ताकि आप आज की वीडियो को बेहतर तरीके से समझ सकें। ये एक ऐसा व्हाट इफ है जहां बार्डॉक किसी तरीके से गोहान की टाइमलाइन में पहुंच जाता है और उसके पहुंचने से क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम इस व्हाट इफ में जानेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही सिनेरियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं और बहुत सारी फैन मांगास भी। तो ऐसे ही वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो पर आते हैं। इसके पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे एंड्रॉइड्स अच्छे बन जाते हैं और गोहान बार्डॉक ट्रंक्स और एंड्रॉइड्स की मदद से धरती को पहले ऐसा बनाने की कोशिश में लगा हुआ होता है। इस दुनिया में सभी एंड्रॉइड से डरते हैं, तो इसीलिए एंड्रॉइड्स मास्क पहन के सबकी मदद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग उन्हें पहचानते हैं और अगर वो ऐसे ही बाहर निकलेंगे तो लोग उनसे डरने लग जाएंगे और वो किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब दुनिया में शांति है, पर जल्द ही गोहान के सामने एक नई दिक्कत आ जाती है। कई लोग शहरों से गायब हो रहे होते हैं और गोहान समझ गया होता है कि बहुत ही बड़ी परेशानी सामने आने वाली है। करीब 2 साल बीत जाते हैं और गोहान दुनिया में पहले जैसी शांति लाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो अपनी ट्रेनिंग भी जारी रखता है। बार्डॉक और ट्रंक्स काफ़ी ताकतवर हो चुके होते हैं, पर अभी वो दोनों सुपर सेन में नहीं बदल पा रहे होते। जैसे जैसे समय बीत रहा होता है वैसे ही धरती पर लोगों के गायब होने की स्पीड बढ़ती जा रही होती है। गोहान बार्डॉक और ट्रंक्स की मदद से एक बहुत ही खास शख्स को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो शख्स धरती को पहले जैसा बनाने में काफ़ी मदद कर सकता है। और आखिरकार गोहान को उस शख्स के बारे में एक हिंट मिल जाता है। अब वो एक विलेज में रहता है और वो उस विलेज का एल्डर है। गोहान उस विलेज में जाता है और उस विलेज के एल्डर से मिलने की कोशिश करता है। पहले तो वो विलेज का एल्डर गोहान से मिलने को बिल्कुल मना कर देता है। वो एल्डर बोलता है कि मैं किसी गोहान को नहीं जानता हूँ, पर गोहान इसके बाद बार्डॉक को बुलाता है और बार्डॉक के सामने आते ही उस शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गोहान समझ जाता है कि ये शख्स कोई और नहीं मिस्टर पोपो ही है। ये खबर गोहान तक याजीरोबे ने पहुँचाई थी, क्योंकि वो और मिस्टर पोपो दोनों ही आखिरी बचे हुए उन लोगों में से थे जो एंड्रॉइड से बच गए थे, और जब से ही वो दोनों इस विलेज में रह रहे हैं। गोहान ने एंड्रॉइड्स को हरा दिया है ये बात याजीरोबे तक पहुंच गई थी और इसीलिए याजीरोबे ने सामने आने का फैसला किया। इसके बाद मिस्टर पोपो गोहान और बार्डॉक को पूरी बात बताते हैं कि कैसे कामे मारे गए। मिस्टर पोपो जल्दी समझ जाते हैं कि ये शख्स जो भी हो, भले ही ये गोकू की तरह दिखता है पर यह असल में गोकू नहीं है। और गोहान इसके बाद सच बताता है कि ये शख्स असल में गोकू के फादर बार्डॉक हैं और ये किसी तरीके से इस टाइमलाइन में आ गए हैं। गोहान सारी की सारी बात मिस्टर पोपो को बता देता है। गोहान मिस्टर पोपो से पूछता है कि वो किस तरीके से धरती को पहले जैसा कर सकते हैं। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि धरती को अगर पहले जैसा करना है तो धरती को एक गार्डन की ज़रूरत है। मिस्टर पोपो गोहान से बोलते हैं कि गोहान, इस वक्त धरती के सबसे ताकतवर शख्स तुम हो, तो तुम धरती के गार्डन क्यों नहीं बन जाते हो। हालांकि गोहान धरती की रक्षा करना चाहता है पर वो धरती का गार्डन बन के नहीं रहना चाहता। वो मिस्टर पोपो से कुछ समय मांगता है ताकि वो इस बारे में थोड़ा सोच सके। इसके बाद वो मिस्टर पोपो के पास से चला जाता है और वापस कैप्सूल कोर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो सोचने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। हालांकि गार्डन बनना एक सही फैसला होगा ताकि धरती को पहले जैसा किया जा सके, पर गोहान खुद के लिए ये चीज़ नहीं चाहता है। गोहान इस बारे में बार्डॉक और ट्रंक से बात भी करता है पर दोनों ही उसकी मदद नहीं कर पाते और आखिरकार वो बुलमा की सलाह लेने के लिए जाता है। बुलमा उसे बताती है कि धरती अगर पुराने ट्रैक पर लौट रही है तो वो सिर्फ गोहान की वजह से है और गोहान की ज़रूरत अभी धरती को है, तो गोहान एक गार्डन बन के नहीं रह सकता है। बुलमा बहुत ही लंबे समय से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और आखिरी 2 सालों से शांति होने की वजह से अब उसका वो प्रोजेक्ट बेकार हो चुका है और इसीलिए वो गोहान को बताती है कि वो अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी सी चेंजेस करके उसके लिए एक स्पेसशिप बना सकती है जिससे वो नमक पर जा सकता है और वहाँ की ड्रैगन बॉल्स की मदद से वो कामे को दोबारा से ज़िंदा कर सकता है। और इससे दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि धरती की ड्रैगन बॉल्स भी वापस आ जाएंगी। ये आइडिया गोहान को काफ़ी अच्छा लगता है, पर सबसे बड़ी दिक्कत अब ये है कि गोहान और बुलमा को नए नेमिक प्लैनेट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हैं। बुलमा गोहान को आइडिया देती है कि वो क्यों ना जाके मिस्टर पोपो से पूछे, हो सकता है मिस्टर पोपो को इस बारे में कुछ पता हो। गोहान अगले ही दिन जाके मिस्टर पोपो से इस बारे में पूछता है। हालांकि मिस्टर पोपो को इस बारे में नहीं पता होता और उनके पास एक तरीका है जिससे वो इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। मिस्टर पोपो गोहान से कुछ दिनों का समय मांगते हैं और इसके बाद मिस्टर पोपो किंकाई से कोऑर्डिनेट करते हैं
मिस्टर बोबो किंगकाई को सब कुछ बता देते हैं और किंगकाई मिस्टर बोबो की बात सुन के काफ़ी खुश होते हैं। किंगकाई बोलते हैं कि उन्होंने धरती के बचने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी और वो इस चीज़ से भी काफ़ी खुश हैं कि गोहान अपने फादर के नक्शे कदम पर चल रहा है और धरती पर फिर से शांति लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही समय में किंगकाई नए नेमिक प्लैनेट का पता लगा लेते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स वो मिस्टर पोपो के जरिए गोहान और बुलमा तक पहुंचवा देते हैं। इसके बाद गोहान तैयार हो जाता है नेमिक प्लैनेट पर जाने के लिए। बुलमा बताती है कि वो कुछ ही दिनों में नेमिक प्लैनेट तक पहुंच जाएगा। हालांकि गोहान जानता है कि धरती पर खतरा अभी टला नहीं है और वो धरती को छोड़ के जाना भी नहीं चाहता है, पर नेमिक प्लैनेट पर गोहान और बुलमा के अलावा लोग किसी को भी नहीं जानते हैं और इसीलिए गोहान अकेले नेमिक प्लैनेट पर जाने का फैसला करता है और वो बार्डक और ट्रंक्स को धरती की रक्षा की जिम्मेदारी देके जाता है। गोहान कुछ ही दिनों में नेमिक प्लैनेट तक पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो नेमिकियंस से मिलता है। नेमिकियंस गोहान को देख के पहचान जाते हैं और उसे देख के काफ़ी खुश भी होते हैं। इसके बाद गोहान नेमिकियन एल्डर से मिलता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि कैसे नेमिक प्लैनेट की रक्षा करने के बाद धरती पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आया और बड़ी मुश्किल से वो खतरा टला है, पर अभी भी पूरी तरीके से धरती से खतरा नहीं टला है और इसीलिए उन्हें नेमिकियन ड्रैगन बॉल्स की ज़रूरत है ताकि वो धरती के गार्डियन को वापस ला सकें। नेमिकियन एल्डर गोहान की मदद करने के लिए मान जाते हैं और वो कुछ ही घंटों में सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद गोहान अपनी विश बताता है। गोहान विश करता है कि धरती का काम लुकआउट पहले की तरह ठीक हो जाए, पर उनका गोहान की ये विश पूरी कर देता है और इसके बाद गोहान अपनी दूसरी विश मांगता है कि मिस्टर पिकलो वापस आ जाएं, पर उनका गोहान की ये विश पूरी कर देता है और पिकलो धरती पर जिंदा हो जाता है और उसी तरीके से कामे लुकआउट पर जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद गोहान तीसरी विश मांगता है कि वो जल्दी से धरती पर पहुंच जाए और परुंगा उसकी विश पूरी कर देता है। गोहान नेमिकियंस को थैंक्स बोलता है और वहां से चला जाता है और आखिरकार धरती पर वापस पहुंच जाता है। पर धरती पर पहुंच के गोहान हैरान रह जाता है। धरती पर वही चीज़ हो रही होती है जिस चीज़ का गोहान को डर था। जो खतरा गोहान के डर की वजह से छुपा हुआ था वो गोहान के जाते ही सामने आ गया। धरती पर हर जगह तबाही मची हुई होती है। गोहान पिकलो से मिलता है और वो पिकलो को देख के काफ़ी खुश होता है, पर इस वक्त मिलने का समय नहीं है। पिकलो गोहान से पूछता है कि गोहान ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं दोबारा ज़िंदा कैसे हो गया हूँ और ये धरती पर तबाही क्यों मची हुई है। गोहान पिकलो को पूरी बात नहीं बता सकता। गोहान पिकलो को बोलता है कि उसके साथ कैप्सूल कॉर्प चले और गोहान और पिकलो दोनों कैप्सूल कॉर्प की तरह निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि बार्डक और ट्रंक्स बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और कैप्सूल कॉर्प में भी तबाही मची हुई है। गोहान ट्रंक्स और बार्डक से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और इसके बाद बार्डक गोहान को पूरी बात बताता है। बार्डक बताता है कि जिस दिन गोहान धरती छोड़ के गया था उसके अगले ही दिन एक शहर में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। एंड्रॉइड 17 और 18 उस शहर के पास ही थे। जब वो उस धमाके के सेंटर तक पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा क्रीचर था। एंड्रॉइड 17 और 18 ने उससे लड़ने की कोशिश करी पर वो क्रीचर उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर था। एंड्रॉइड 17 भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो भी एंड्रॉइड 17 और 18 की मदद कर रहा था, पर वो क्रीचर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हालांकि एंड्रॉइड 16 उसे थोड़ी चोट पहुँचाने में कामयाब हुआ था, पर वो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर था और आखिरकार वो तीनों एंड्रॉइड्स को हरा देता है। बार्डक गोहान को बताता है कि जब बार्डक और ट्रंक्स उस शहर तक पहुँचे तब उन्होंने बस एक चीज़ देखी कि वो अजीब सा क्रीचर एंड्रॉइड 17 और 18 को निगल रहा है। और जैसे ही उस क्रीचर ने एंड्रॉइड 17 और 18 को निगला उसकी शेप बदलने लगी। पहले वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था, पर एंड्रॉइड 17 और 18 को निकलने के बाद वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो गया, जिसके बाद उसने अलग अलग शहरों में जाके तबाही मचाना शुरू कर दिया। बार्डक गोहान को बताता है कि मैंने और ट्रंक्स ने मिलकर उससे लड़ने की बहुत कोशिश करी, पर वो क्रीचर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ट्रंक्स उस क्रीचर से लड़ते लड़ते सुपर सेन में बदलने में भी कामयाब हो गया, पर इसके बावजूद भी उस क्रीचर को वो नहीं हरा पाया। आखिरकार जब उस क्रीचर ने नोटिस किया कि हम में से कोई भी उसकी ताकत के लेवल के बराबर नहीं है, तब उसने धरती के सबसे ताकतवर शख्स के बारे में पूछा, यानी कि तुम्हारे बारे में, और हमने उसे बताया कि वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। उस क्रीचर ने कहा कि वो तुम्हारा वेट करेगा क्योंकि वो तुमसे लड़ना चाहता है। गोहान बार्डक से पूछता है कि वो क्रीचर उसे कहाँ मिलेगा। बार्डक गोहान को बताता है कि वो एक शहर में था और गोहान उस शहर की तरफ जाता है। पिकलो भी उसके साथ ही जाता है और गोहान और पिकलो जब उस क्रीचर के सामने पहुंचते हैं तब वो क्रीचर बताता है कि मेरा नाम सैल है और उसने 17 और 18 को इसलिए एब्जॉर्ब किया था क्योंकि वो उसके पार्ट्स थे और उसके परफेक्शन पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब गोहान बिलीव करे ना करे पर इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स इस वक्त सैल है और सैल बोलता है कि ये चीज़ वो गोहान को हरा के साबित करना चाहता है। सैल गोहान को बोलता है
कि पर वो इस वक्त नहीं लड़ेंगे। सेल पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता है कि वो गोहान से ज़्यादा ताकतवर है, और पूरी दुनिया के सामने वो साबित करना चाहता है कि उनका सेवियर गोहान सेल के सामने कुछ नहीं कर सकता है। इसी बीच पिकलो बोलता है कि धरती पर गोहान के अलावा भी वॉरियर्स हैं जो कि काफ़ी ताकतवर हैं, तो सेल उनसे भी लड़ सकता है। सेल बोलता है कि जितने भी लोग चाहे इस फाइट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर उसका मेन फोकस गोहान को हराना ही रहेगा। पिकलो के दिमाग में सेल को हराने के लिए एक आइडिया बन रहा होता है, और सेल का दिया हुआ टाइम उनके लिए परफेक्ट है। ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी और धरती पर अभी क्या क्या खतरे आने वाले हैं, ये हम इसकी अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, और इसके अलावा मैं एक पुराना वर्टिक भी दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग नीचे कमेंट में गैस कर सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वर्टिक में आप लोगों का फेवरेट पार्ट क्या है, और आप किस तरीके के वर्टिक्स और चैनल पर चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई बहुत ही अच्छा वर्टिक सिनेरियो है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर वो आइडिया मुझे अच्छा लगा तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।